वाह 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 भाई बेहतरीन। और बनारस की गलियों में क्यों घूम रहे हो भाई? आपने कहा बनारस की गलियों में ही अगर आपने घूमना है तो अच्छी बल्ली मारा की गलियों में घूमो भाई। दिल्ली छः गालिब साहब का घर है वहाँ पर, वहाँ घूमें आप, बड़ी अच्छी जगह खुली खुली। लाहौर की उस तंग गली के अंदर घूमें जो उन्होंने ढूंढी थी, बड़े मशहूर राइटर है ना अपने यार यूसुफी साहब, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि इस गली से अगर कोई खातून और कोई मर्द गुजरें तो इन दोनों में निकाह के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहता। वो उन तंग गलियों के बारे में आप बताएंगे। बनारस की गली क्या होता है? ये गली हमारी समझ में नहीं है। बनारस का पान होता है, खई के पान बनारस वाला, बनारस की गलियों में क्यों घूमना? खैर आपका कसूर नहीं है, तो जिसने गाना बनाया है उस तक अगर हमारी बात पहुंच जाए तो ठीक है, वरना क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ भाई, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। जा तुझे माफ़ किया छोड़ के जाने वाले, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इसके अलावा तौबा तौबा मैं तेरी दीवानी मस्तानी नहीं होना, ये सारे मनोज सॉन्ग्स भी अभी बाकी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी वीडियोज़ भी आप बहुत जल्द बना के भेज देंगी। और साथ साथ अताउल्लाह इसाखेलवी साहब के भी जो है वो गाने जहन में रखिए। अलहद अपनी मिट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन को, आज ही हमने बदले हैं कपड़े आज ही हम नहाए हुए हैं। इतने मनोज गानों का गीतमाला क्यों बनाया आपने? बहरहाल वीडियोस आपने क्यों बनाई वो तो हमें पता चल गया, आपने अपना 3 कैमरे वाला मोबाइल दिखाना था, वो हर वीडियो में आपके फेस से पहले हमें नजर आ गया है। 2.5 लाख रुपए का फोन है भाई, बंदा दिखाएगा नहीं तो फिर। और हमने तो ये भी सुना है आईफोन वालों की जेब भी नहीं होती, और आईफोन मैक्स प्रो वालों की तो बटवे भी नहीं होते, जेब भी नहीं होती, गाड़ी भी नहीं होती, अक्सर ने तो गाड़ी बेच के भी ये फ़ोन लिया है। तो जाहिर सी बात है फ़ोन दिखाना तो मकसद था और वो पूरा हुआ। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।